अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पाइथन आइडेंटिफायर्स नेमिंग कन्वेंशंस और रूल्स, यानी कि आइडेंटिफायर क्या है और इनको डिक्लेयर करवाने के क्या असूलों कवानीन है, किन रूल्स का ख्याल रखना है। तो सबसे पहले आप पाइथन आइडेंटिफायर इज़ द नेम यूज टू आइडेंटिफाई अ वेरिएबल फंक्शन क्लास मॉड्यूल और अदर ऑब्जेक्ट। अच्छा, किसी भी लैंग्वेज के अंदर किसी भी वेरिएबल फंक्शन या क्लास मॉड्यूल या किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी ना किसी का कोई नाम रखने के लिए एक स्पेसिफिक जो है कन्वेंशन या समझ लो कि नेम इस्तेमाल किया जाता है कि हम उस नेम की मदद से उसको क्या कर सकें, कॉल कर सकें, उस नेम की उसकी मदद से हम उसको बुला सकें, तो वो क्या कहलाता है, उसे हम आइडेंटिफायर कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें कि किसी के यहाँ कोई बेबी पैदा होता है तो वो इस रियल वर्ल्ड में आता है, उसको उसके घर वाले जो हैं उसको पुकारने के लिए कोई उसका एक स्पेसिफिक नाम रखते हैं, तो एक्चुअली वो नाम क्या है, वो आइडेंटिफायर कहलाता है, यानी कि उसकी आइडेंटिटी को जाहिर करता है। ठीक है, तो इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी जब कोई वेरिएबल या कोई फंक्शन या क्लास वगैरह डिक्लेयर की जाती है तो उसका कोई एक स्पेसिफिक नाम रखा जाता है जिसे क्या कहते हैं, आइडेंटिफायर कहते हैं। अब उस नाम को रखने भी कुछ असूलों कवानीन हैं, वो क्या रूल्स और कन्वेंशंस क्या हैं। अ नेम मस्ट स्टार्ट विद द लेटर और अंडरस्कोर करेक्टर, कि वो जो आपने नाम रखा है पाइथन लैंग्वेज के अंदर किसी भी वेरिएबल का या क्लास का, वो जो है या फंक्शन का, तो वो उसका जो स्टार्टिंग है वो या तो लेटर हो या फिर वो अंडरस्कोर। किसी भी नंबर से जो है हम वो शुरू स्टार्ट नहीं करवा सकते। अ नेम कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर और अंडरस्कोर ही हम इस्तेमाल करेंगे। अ नेम इज़ अ केस सेंसिटिव, केस सेंसिटिव का मतलब क्या है, केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई एबीसी का वेरिएबल डिक्लेयर करवा लिया है, ठीक है, स्मॉल एबीसी में आपने डिक्लेयर करवाया, तो आगे आप फिर जो है वही एबीसी का ही एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा रहे हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं होगा। केस सेंसिटिव का मतलब क्या है कि आप एक ही नाम के दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर नहीं करवा सकते, ठीक है, ये केस सेंसिटिव है। और इसके अलावा यानी कि सिंपल केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि आपकी पाइथन लैंग्वेज के अंदर कैपिटल यानी कि अपर और लोअर केस के जो लेटर्स हैं उनको जो ये है ये डिफरेंट कंसिडर करती है, ठीक है, मतलब कि उनको डिफरेंट डिफरेंशिएट करेगी। पंक्चुएशन जो है ये अलाउ नहीं है किसी भी नेम के साथ। क्लास नेम स्टार्ट्स विद द अपर केस लेटर एंड ऑल अदर आइडेंटिफायर विद द लोअर केस लेटर, ठीक है, स्टार्टिंग एंड आइडेंटिफायर विद द सिंगल लीडिंग अंडरस्कोर इंडिकेटिंग बाय कन्वेंशन दैट आइडेंटिफाई इज मीन टू बी प्राइवेट, स्टार्टिंग एंड आइडेंटिफायर विद टू लीडिंग अंडरस्कोर इंडिकेटिंग अ स्ट्रॉन्गली प्राइवेट आइडेंटिफायर। अच्छा, इसका मतलब ये है अगर आपने दो अंडरस्कोर लगा के आपने कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो इसका मतलब ये है कि ये एक प्राइवेट आइडेंटिफायर है, स्ट्रॉन्गली प्राइवेट आइडेंटिफायर, ठीक है। इफ़ आइडेंटिफायर आल्सो एंड्स विद द टू ट्रेलिंग अंडरस्कोर्स द आइडेंटिफाई लैंग्वेज डिफाइंड स्पेशल नेम, ठीक है, ये इसके कुछ असूलों कवानीन हैं लैंग्वेज के। तो जनाब अली नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं, रिजर्व की वर्ड्स। पाइथन रिजर्व आर वर्ड्स दैट आर रिजर्व, दैट मीन्स यू कैन नॉट यूज देम एज अ नेम ऑफ एंटिटीज लाइक वेरिएबल क्लासेस एंड फंक्शन, दे आर फॉर डिफाइनिंग द सिंटैक्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ पाइथन लैंग्वेज। अच्छा, भी रिजर्व वर्ड हमारे वो वर्ड होते हैं जिसको हम एज अ वेरिएबल यानी कि लैंग्वेज के अंदर पहले से मौजूद होते हैं लेकिन उसको हम एज अ वेरिएबल या एज अ फंक्शन के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो पाइथन लैंग्वेज के अंदर कौन कौन से हमारे पास यहाँ पे रिजर्व वर्ड हैं, ये देखें, ये लिस्ट है आपके सामने है, स्केप सीक्वेंस, ठीक है, आगे इनके मीनिंग है, ठीक है, और आप देख सकते हैं ये सारे के सारे आपके क्या है, रिजर्व वर्ड हैं। सॉरी, ये स्केप सीक्वेंस में चला गया मैं, ये देखें, नॉन फॉल्स ट्रू एज एसर्ट, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, ये स्केप सीक्वेंस, सॉरी ये रिजर्व वर्ड है। अब स्केप
करैक्टर्स हमारे पास कौन से होते हैं। एंड एस्केप सीक्वेंस रेफर्स टू कम्बिनेशन ऑफ करैक्टर बिगनिंग विद द बैक स्लैश फॉलोवेड बाय लेटर और डिजिट्स। एस्केप सीक्वेंस रिप्रेजेंट नॉन प्रिंटेबल एंड स्पेशल करैक्टर इन करैक्टर एंड लिटरल सिस्टम। भी देखो इन सब के क्या हैं, अपने रोल्स हैं और अपने करदार हैं। देखें बैक स्लैश जो है न्यू लाइन के लिए ये इस्तेमाल करते हैं, बैक स्लैश डबल सिंगल क्यूट के लिए, कैरियज रिटर्न के लिए ये, और सिंगल क्यूट के लिए ये, डबल कोटेशन के लिए ये, आस्की बेल के लिए स्लैश ए, आस्की बैक स्पेस के लिए ये, और ये सारे डिफरेंट जो है ये इस्तेमाल किए जाते हैं। अब पाइथन के अंदर नंबर्स भी होते हैं, डेटा टाइप्स डेट स्टोर न्यूमेरिकल वैल्यूज़, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को स्टोर करती है वो नंबर कहलाती है। इफ़ यू चेंज द वैल्यू ऑफ अ नंबर डेटा टाइप दिस रिजल्ट इन अ न्यूली एलोकेटेड ऑब्जेक्ट सो यू कैन ऑल कॉल नंबर इम्यूटेबल। वी कैन सिंपल क्रिएट अ नंबर ऑब्जेक्ट बाय असाइनिंग सम वैल्यू टू इट। तो न्यूमेरिक टाइप इन पाइथन में कौन कौन सी है, इंट यानी कि साइंड इंटीजर, ठीक है, साइंड इंटीजर में हमारे पास कौन से आ जाते हैं, पॉजिटिव भी आ जाते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं, लॉन्ग इंटीजर्स, फ्लोट, फ्लोटिंग पॉइंट, रियल वैल्यूज और कॉम्प्लेक्स हमारे पास आ जाते हैं। ये हमारे पास पाइथन के नंबर्स हैं। अब देखिए एग्जांपल देख लें, x इज इक्वल टू 1 ये इंट है, ये फ्लोट है, 1j ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, और आगे ये आपको एक चार्ट भी नज़र आ रहा है पाइथन का, ये आप देख सकते हैं। बेसिक ऑपरेशन कौन कौन से हम परफॉर्म कर सकते हैं इसमें, पाइथन ऑपरेटर्स, स्पेशल सिंबल होते हैं, ठीक है, यानी कि ऑपरेटर प्लस हो गया, माइनस हो गया, डिवीजन हो गया, ये सारे ऑपरेटर हैं। ये देखिए कंपैरिजन, लॉजिकल ऑपरेटर, ये सारे वो हैं। ये अब यहाँ पे आप सिंबल्स इनके देख सकते हैं, लास्ट में है फ्लोट, डिवीजन, ठीक है, मॉडुलस ऑपरेटर हो गया। अब यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर कौन से होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर ये देखें, यूज़ टू स्टोर डाटा इनटू वेरिएबल, जो वेरिएबल में डाटा को स्टोर करवाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब इक्वल का साइन हो गया, ऐड और इक्वल का साइन हो गया, इसको हम कहते हैं ऐड एंड, सब्ट्रैक्ट एंड हो गया, मल्टीप्लाई एंड हो गया, डिवीजन एंड हो गया, मॉडुलस एंड हो गया, ये सारे के सारे जो हैं ये असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाते हैं। एक्सपोनेंट ऐड हो गया, फ्लोर हो गया, फ्लोर। बेसिक ऑपरेटर्स हमारे पास कंपैरिजन कौन से हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर, इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन इक्वल टू और लेस दैन इक्वल टू, ये सारे के सारे बेसिक ऑपरेटर्स हो गए। फिर उसके बाद आगे लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास आ जाते हैं, एंड और नॉट, एंड में जो है जब तक दोनों वन ना हुई तो जवाब वन नहीं आएगा, वन वन पे वन आएगा, और में एक भी अगर ज़ीरो हुई या एक भी वन हुई तो हमारे पास रिजल्ट वन आ जाएगा, नॉट में ऑपोजिट है, रिवर्स है, जीरो हुआ तो वन, वन हुआ तो ज़ीरो। इसी तरह आप आते हैं स्ट्रिंग पे, स्ट्रिंग इन पाइथन, स्ट्रिंग क्या चीज़ है, स्ट्रिंग एक्चुअली एक एरे होता है करेक्टर्स का, स्ट्रिंग लिटर इन पाइथन आर सराउंडेड बाय आइदर, स्ट्रिंग लिटरल इन पाइथन आर सराउंडेड बाय आइदर सिंगल कोटेशन मार्क्स, डबल कोटेशन मार्क्स और ट्रिपल कोटेशन मार्क्स। तो ये स्ट्रिंग तक तो हमने देख लिया है, इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में जो है हम स्ट्रिंग से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आगे जो है डाटा स्ट्रक्चर स्टार्ट हो रही है पाइथन की, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे स्टार्ट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।